Thank you. Good afternoon, everyone. I would like to welcome Mr. Dinesh Patidar, Managing Director of Shakti Pumps India Limited, Mr. Ramesh Patidar, Director Export, Mr. Akhilesh Maru, Associate Director Corporate Strategy, Mr. Dinesh Patel, CFO of the company, and Mr. Ravi Patidar, Company Secretary and Compliance Officer. Mr. Dinesh, sir, hand over to you. Thank you. Thank you. दोस्तों नमस्कार। आज क्वार्टर थ्री की कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत है और हमने हमारे ही सारे रिकॉर्ड जितने भी हमारे हमारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड थे, वो सब इस क्वार्टर में तोड़े हैं। प्रॉफिट के भी और सेल के भी और नंबर्स के भी हमारी टीम ने इस कोरोना काल के समय में बहुत अच्छा काम किया है और इस क्वार्टर में हमारी सेल 317 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले साल पूरे साल में हमने 382 करोड़ रुपए की थी और पिछले नौ महीने में हमने जो सेल 290 करोड़ रुपए की थी, जो अभी हम 609 करोड़ रुपए कर पाए हैं। EBITDA में भी हमने अच्छा ध्यान रखा है और EBITDA में इस क्वार्टर में हमारा 50 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 94 लाख था। EBITDA 16% से बड़ा है हमारा और जो नेट प्रॉफिट है वो 26.53 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ था। हमारी सेल भी इस बार हमने जो सोलर के बारे में हम इंडिया में लीडर हैं और सोलर एनर्जी में हम लोग बड़े दिनों से काम कर रहे थे और चूंकि भारत सरकार का कुसुम स्कीम भी अब प्लेसमेंट में आ गया है और उस पर भी हमने कुछ काम किया है, तो इस बार हमने EPC में बहुत अच्छा काम करते हुए 221 करोड़ रुपये EPC में किया है। हमने करीब 7,600 पंप अभी तक हमने इस क्वार्टर में इंस्टॉल किए हैं और टोटल अभी तक 9 महीनों में 13,511 नंबर्स हमने EPC में महाराष्ट्र के लिए एक टेंडर पर हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें भी हमने पंप इंस्टॉल किए हैं। एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा और एक्सपोर्ट में हमारा मार्जिन भी अच्छा रहा। इसमें हम लोग 49 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाए हैं, जिसमें नंबर 21,164 पंप हमने इस क्वार्टर में किए हैं और 55,836 नंबर हमने पूरे 9 महीने में किए हैं। OEM में भी हम स्ट्रेटेजिकली OEM में हम थोड़ा बिजनेस अभी 20 करोड़ का किए हैं, जिसमें 4,700 पंप सप्लाई किए हैं हमने इस क्वार्टर में और 12,371 पंप किए हैं पूरे साल में। हमने एग्री और डोमेस्टिक में हमने कुछ 27 करोड़ का सेल किया है, उसमें 5,500 नंबर पंप हमने इस क्वार्टर में किए हैं, 15,000 पंप हमने पूरे 9 महीने में किए हैं। जो अभी भी हमारी कैपेसिटी का हम यूटिलाइजेशन 57% ही कर पाए हैं और दूसरी एक बात अच्छी रही कि हमने कैश फ्लो को भी अच्छे से मैनेज करते हुए किया। हम ऑर्डर तो और भी ले सकते थे, ऑर्डर की कमी नहीं थी इसमें, हम ऑर्डर और भी ले सकते थे, लेकिन हम बिजनेस में जहाँ पर हमको फंड्स की उपलब्धता दिख रही थी वहीं हमने बिजनेस करते हुए कैश फ्लो को भी मेंटेन किया है इसमें। और हमारे वर्किंग कैपिटल जो CC लिमिट मार्च में हमारी 192 थी, इस क्वार्टर में हम 143 करोड़ की आउटस्टैंडिंग पे ही है, मतलब हमारा रिकवरी पे भी ध्यान है और हम उसमें भी अच्छे से काम कर रहे हैं। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट भी हम बढ़ाने पे आगे भी काम करते रहेंगे और हमारा जो सोलर एनर्जी पे हमारा फोकस है उसको भी हम आगे ले जाएंगे। अभी हमने इस क्वार्टर में जो हमने टोटल अराउंड 70 मेगावाट पंप इंस्टॉल किए हैं और वो एक अच्छे नंबर इस क्वार्टर में हमको लगे हैं। इसमें हमारे लिए हम और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन इसमें चूंकि कोरोना था और थोड़ा सा क्लाइमेट भी पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा इशू था। आगे भी हमारे पास ऑर्डर बुक करीब 180 करोड़ 200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है और इस पूरे सिस्टम में जब हमने इतने स्पीड से ये सब काम किया तो हमको एक चीज एनालिसिस हुआ कि बॉटल नेक सब्जेक्ट में कहाँ है, तो हमको पता चला कि इसमें हम कॉन्फिडेंट है अपनी इंडस्ट्री पे, अपने सिस्टम पे और अपने भारत सरकार की स्कीम पे। बस इंस्टॉलेशन में थोड़ी इंप्रूव करनी है, जो इंस्टॉलेशन हम लोग थोड़ा पीछे रहे इंस्टॉलेशन में और आने वाले समय में इंस्टॉलेशन को भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करने जा रहे हैं। इस क्वार्टर में हमने उसको स्टेट वाइज किया था, हमने स्टेट पे कंट्रोल कर रहे थे, फोकस हमारा स्टेट का था, उसकी वजह से भी हम थोड़ा हमारे जो इंटरनल गोल थे उसको थोड़ा सा हम पीछे रहे। MNRE भी हमको पूरा सपोर्ट कर रही है और आगे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा इंस्टॉलेशन सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि जो कुसुम की एक स्कीम
प्लेसमेंट में ऑलरेडी है और अगले साल के लिए वो तकरीबन 10,000 करोड़ का मार्केट कुसुम सोलर पंप्स का है, जिसमें हम अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में और कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि उसमें एक अच्छा मार्केट शेयर हम लेंगे। इसके लिए हम ये सिर्फ हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट था, ये क्वार्टर हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट था, इसको हमने अच्छे से रन किया है और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे हमको और इम्प्रूव करना है और इसको और आगे कैसे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई है और अगले टेंडर भी एमएनआरई ने बुला लिया, नेक्स्ट टेंडर मुझे लगता है कि अप्रैल के पहले वो इम्प्लेस कर देंगे और अप्रैल तक हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है और हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। हमारा सोचना है कि हमारे देश में जो डिस्कॉम का लॉस है और जो हमारे कृषक हैं, जो फार्मर हैं, उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और क्लाइमेट के लिए सोलर एनर्जी से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हमारा भी फोकस उसी पे है और भारत सरकार का फोकस भी उसी पे है। भारत सरकार ने ऑलरेडी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे पैसा आता जाएगा और वो हम आगे उसमें और अच्छे तरीके से काम करते जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ते जाए डे बाई डे और उसका हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये पायलट रन किया था हमने, इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो गई है, उसको हम करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन मे प्रेस स्टार एंड वन ऑन द टचस्टोन टेलीफोन। इफ यू विश टू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन क्यू, यू मे प्रेस स्टार एंड टू। Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Sudhir Bhira from Right Time Consultancy. Please go ahead. हाँ सर, आपकी बहुत बढ़िया प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन सर। थैंक यू। बहुत जबरदस्त और ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आपने दिखाया है और हम शेयर होल्डर्स बहुत खुश है। सर मेरे तीन क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने बताया कि कैश फ्लो अच्छा है, जो सबको इन्वेस्टर को एक कंसर्न बनी रहती है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो पैसा आएगा तो कैसा आएगा, लेट आएगा, तो ये क्वार्टर में कैश फ्लो मतलब फ्रॉम ऑपरेशन CFO वो कैसा रहा, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टील के भाव बढ़ते गए, कॉपर के भाव बढ़ते गए, सोलर सेल्स के भाव बढ़ते गए, तो मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं फोर्थ क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर पे, कि अपना मार्जिन बना रहेगा या इम्प्रूव होगा, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन, जैसे आपने बताया EPC में आपने 221 करोड़ सेल्स किया है और 7,600 पंप बेचे हैं, तो जो 400 करोड़ अपना जो सेल्स हुआ 317 करोड़, तो उसका ब्रेकअप कैसा है, कुसुम की योजना के तहत अपुन ने कितना किया है, और जैसे 7,600 पंप ने अपुन ने EPC में 221 करोड़ किया, तो नेक्स्ट क्वार्टर का पंप का टारगेट क्या है एज फार एज क्वांटिटी इज कंसर्न। तो ये तीन सवाल है सर मेरे, और मेरा नंबर और क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब मेरे को चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबसे पहले आपको, आपने जो केस फ्लो का क्वेश्चन उठाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये हम डे वन से इस पर सोच रहे थे। तो हमारे पास ऑर्डर अभी 1,000 करोड़ का और हम ऑर्डर लेके सेल कर चुके होते, हमने वो उस स्टेट में काम ही नहीं किया जिसके पास स्टेट का फंड नहीं था, जहाँ पर फंड नहीं था, जहाँ पर भारत सरकार ने सब्सिडी सेंक्शन नहीं की थी, जहाँ पर हमको एक्सपीरियंस नहीं था, वहाँ पर के ऑर्डर हमको मिले थे, हमने उनको ड्यू रिस्पेक्ट वापस किया कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ हमारी होल्डिंग प्लेस पे कर रहे हैं जहाँ पर हमें पता है कि जहाँ पैसा हमारा फास्ट हमारा आ रहा है और कंट्रोल में है, तो हमने वो पूरा ध्यान में रखते हुए वो किया, क्योंकि इसमें MNRE ने जो सब्सिडी दी वो एडवांस में ऑलरेडी दे दी थी पहले, और स्टेट शेयर जहाँ पे आगे थे वहीं पर हमने काम किया, तो हमारा कैश फ्लो को मेंटेन रहा और उसमें हमको ज़्यादा समस्याएं नहीं आई। दूसरा सर, आई वॉन्ट टू एड वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग कैश फ्लो। पहले हम लोग हमारे क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट और सेम डे पेमेंट किया करते थे, बट नाउ एज वी आर बाइंग बिग क्वांटिटीज फ्रॉम द क्रेडिटर्स, हमने उनसे अच्छा क्रेडिट लिया है और क्रेडिटर्स डेज हमारे बढ़ने की वजह से भी हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव हो गया है। ग्रेट। तो कैन यू क्वांटिफाई दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन CFO कितना रहा ये क्वार्टर में, इफ यू कैन क्वांटिफाई दैट। जवाब दे रहे
सकता है? हाँ मैं आपको बताता हूँ सर, आप जब तक आंसर दीजिए मैं आपका इसका आंसर आपको देता हूँ। ठीक है, ईपीसी में ईपीसी के ये जो सेल्स के बारे में आप जो बात कर रहे थे, इसमें हमने 7600 पंप जो है ईपीसी में किए हैं। इसमें जो कुसुम में जो हमने काम किया है वो 7600 नंबर्स का किया है, और इस क्वार्टर में इसमें कुसुम के साथ में हमने महाराष्ट्र में भी काम किया है। महाराष्ट्र में भी हमने करीब 4000 पंप्स का काम किया है, दो टेंडर लाइव थे। तो कुसुम में इसमें मेरे ख्याल से 180 करोड़ का हमने कुसुम में किया है, बाकी जो है वो हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ किया है। तो ये जो ईपीसी का आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब ये है, और मार्जिन का भी मैं जवाब आपको देता हूँ कि मार्जिन यस, मार्जिन में रॉ मटेरियल के रेट बढ़े हैं, स्टील के रेट बढ़े हैं, कॉपर के रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से तकरीबन हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोग इसमें सोलर सेल में रेट बढ़े हैं, तो जो हमारा जो मार्जिन जो हम प्लान करके चल रहे थे उसमें थोड़ा हमने कुछ अपने आप में ऑब्जर्व किया है मार्जिन, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट और भी अच्छा रहता। हमारे टोटल रॉ मटेरियल में तकरीबन 3.5 से 4% का इफेक्ट आया है, अदरवाइज हमारा जो ईबीटा मार्जिन भी अच्छा होता और हमारा नेट प्रॉफिट भी अच्छा होता। बट हमने साथ ही साथ हमारे डिज़ाइन पे भी काम किया है, और जो लो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते था, जो जहाँ जहाँ से हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते थे, जहाँ जहाँ से हम डिज़ाइन पे भी हमने कुछ काम करके उसको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव किया है, उसकी वजह से हम मार्जिन मेंटेन कर पाए। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो एक टेस्ट फ्लो का आंसर अगर आप दे सकते हैं। टेस्ट फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इस बार हमारा कंसोलिडेटेड करीब 60 करोड़ रहा है, जितना से हमने जो यूटिलाइजेशन किया है वो बोरिंग्स को ही कम करने में किया है, जैसा सर ने आपको शुरुआत में बताया। तो हमारी लेबर की एस्टिमेट से उसको हमने 143 करोड़ कर लिया अभी वर्किंग कैपिटल में उसको यूज किया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, जबरदस्त सर, कांग्रेस एंड थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from the line of Jwalan Chugg from Motilal Oswal Financial Services. Please go ahead. Good afternoon, sir. मेरा question है कि आपने जो breakup दिया है, पहला breakup है आपने बोला महाराष्ट्र में 4000 systems आपने किया है और 7600 systems आपने कुसुम में किया है, तो total systems 11600 हो गए। Right. वैसे हो गया, और total sales 221 crores. Right. तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 लाख से कम का एक सिस्टम अपना जा रहा है। ये जो महाराष्ट्र में वो 3 HP के पंप है वो कुछ खास कम है, छोटे पंप से, और 1 और 2 HP के प्रोडक्ट भी देते हैं वो भी कम है। हालांकि 7.5 और 10 HP के प्रोडक्ट भी अब आ गए हैं धीरे धीरे, उसमें भी लाइन में आए। अभी हरियाणा में हम 10 HP के एक पंप की प्राइस कितनी है? 4 लाख समथिंग है 10 HP के, अब उसके भी ऑर्डर आने लगे, तो धीरे धीरे वो लाइन भी आ रही है फोकस। ओके, सो अपना जो 2.5-2.5 लाख वाला पंप है वो 5 HP का है, वो प्राइस कम नहीं हुआ है, 5 HP का है जो भी अपने हम लोगों ने कम HP वाले पंप लगाए हैं इसलिए। राइट 5 HP वाले पंप की प्राइस आज भी 2,22,000 है। ओके सर, सर दूसरा क्वेश्चन मेरा वो था कि अपना कुसुम का भी मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है, क्योंकि मैं वो पूछ रहा था कि फार्मर एजिटेशन हुआ है अपना पंजाब और हरियाणा की साइड पे, सो अपना ट्रांसपोर्टेशन और वो सब का थोड़ा इश्यू हुआ होगा, तो हाउ आर वी, अगर फार्मर आज ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे एक 5 HP का पंप लगाना है, तो कितने टाइम में हम लोग वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें एक्चुअली हरियाणा ने तो पोर्टल बना लिया है उनका, उस पोर्टल पे वो लोग एप्लीकेशन करते हैं। पंजाब में जरूर अभी अंडर डेवलपमेंट में है वो पोर्टल, और वो ऑर्डर बनने के बाद वो उनका फार्मर से डिपॉजिट होने के बाद हमको एक LOI मिलता है, उस LOI पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो हमको कुछ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी इस क्वार्टर में, यस थी, उसमें कुछ तो हमने वैसे भी उसको अचीव किया है कि हमने कुछ कंटेनर हमारे रेलवे से भी भेजे हैं, जो हमको बड़ा उसका हमको रेलवे का बड़ा हेल्प मिली, और उसकी वजह से भी हम अपने जो टाइम पे डिलीवरी अपने कस्टमर को कर पाए, हमने उसको रेलवे से भी सप्लाई किया। ओके सो मैं वो जानना चाह रहा था कि कितने टाइम में हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अगर एक फार्मर आता है तो कल एग्जीक्यूट हो जाता है या 2-3 दिन या हफ्ता भर लगता है वो? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है कि फार्मर का ऑर्डर हमारे पास आने के बाद हमको कम से कम उसको सप्लाई करने के लिए 120 दिन 130 दिन के आसपास मिलते हैं। ओके, और वो पहले भी होता है हमको सप्लाई करना रहता है, तो मैक्सिमम हम लोग 60-70 दिन 90 डेज में सप्लाई कर पाए। ओके, पहले भी इतना ही रहता था या डिमांड बढ़ने से अपना वो एग्जीक्यूशन टाइम भी अभी बढ़ गया है? नहीं, कम हुआ है उल्टा, क्योंकि वो हम पहले जो है हमारे पास नंबर ऑफ पंप्स कम होते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
ज्यादा होती थी, अभी हमको फुल लोड कैरी करने के लिए फास्ट सर्विसेज मिल जाती है। ओके सर, और एक मेरा क्वेश्चन था एक्सपोर्ट फ्रंट पे, 49 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग ने किया है वैसा आपने बताया, पर जो रिजल्ट है उसमें हम लोग ने शायद 47 लाख का लॉस किया है EBIT पे, तो व्हाई इज द रीजन फॉर लॉस इन एक्सपोर्ट्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो गुड नंबर्स ऑन एक्सपोर्ट्स? आई विल एक्सप्लेन द डिस्कशन। ये जो आप ज्वलंत, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि 45 लाख का, वो एक्चुअल लॉसेस नहीं है। क्या हुआ है, जो हमारी ओवरसीज सब्सिडरीज ने जो भी सेल करी है उसके सामने ही आपको लॉस दिख रहा है। वो एक्चुअली जो इंडिया ने अपनी सब्सिडरीज को वहां पे जो स्टॉक ट्रांसफर किया था उसके प्राइसेस हमने बढ़ाए हैं, तो उसका जो हमारा प्रॉफिट था और जो प्राइस डिफरेंसेस था ये उसका डिफरेंस आया है, एक्चुअली ये लॉसेस नहीं है। ओके सो दिस इज जस्ट अ PNL एंट्री एंड नॉट अ कैश फ्लो एंट्री। यस यस, जो प्राइस हमने इंक्रीज करे हैं सब्सिडरी को और प्राइस बढ़ने की वजह से वो उसका एंट्री आया है डिफरेंस। मतलब प्राइस बढ़ाए हैं हम लोग ने फॉर द सब्सिडरी, पहले जो सब्सिडरी को कम प्राइस पे दिया था वो हमने उनके प्राइस बढ़ा दिए हैं, जो वहाँ पे हमारा इन्वेंट्री पड़ा है सब्सिडरी के पास, उसका ये डिफरेंशियल जो है वो आया है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, कुसुम का दो दिन पहले तीन दिन पहले आया था EESL का 317,000 पंप का टेंडर 21-22 के लिए है, वो 317,000 का ही है या फिर कुसुम में MNRE के ओर से भी और थोड़ा बढ़ के आएगा, और क्या what can be the total number of the industry for the next year? Yes, मैं जवाब देता हूँ इसका। एक्चुअली MNRE का जो प्लान है वो 4 लाख पंप का प्लान है, लेकिन जो स्टेट ने उनको कंसर्न दी है कि हम लोग इतने पंप अपने स्टेट में स्टेट शेयर का परसेंटेज का बजट में प्लान कर लेंगे, वो 317,000 है। तो स्टेट ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका है सेंट्रल को कि 317,000 पंप आप हमको दे दीजिए, हम उसको यूज कर लेंगे। एक तो ये बात है, 4 लाख पंप की जो बात है वो ये बात है कि 4 लाख पंप उनका प्लान था भारत सरकार का इंस्टॉल करने का, उसमें फार्मर से कोई स्टेट आके बोलेगा तो वो अपना सब्सिडी का शेयर और बढ़ा देंगे, एक ये बात थी। ओके तो टोटल कितना होना चाहिए अपना अगले साल के लिए, 4 और 3 17 वैसे मिला के ऐसा कोई नंबर आएगा या? आप इसको ऐसे देखिए कि टोटल जो है 10,000 करोड़ का ये टेंडर है। ओके ओके, अब इस टेंडर में ये मार्केट बुक टेंडर है, जिस कंपनी में जितना दम होगा वो उसको एग्जीक्यूट करके लेके जाएगी, तो हम ही लीडर है, अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा पंप हमने ही लगाए हैं। ओके ओके ठीक है, पर सर ये लगाए हैं पहले तो उनको इस साल उनको लगाना चाहिए था कुछ 1,17,000 पंप्स, वो लगाए नहीं हो, टोटल 25,000 पंप भी उनके लगे नहीं है अभी तक ड्यू टू कोरोना, और ड्यू टू सम उनके आपस में जो जिन लोगों को उन्होंने आर्डर प्लेस किए थे वो टाइमली सप्लाई नहीं करता। तो अभी हम धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं, और हमारे लिए तो ये जो क्वार्टर था ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। ओके क्योंकि अगला टेंडर हमको 10,000 पंप का दिख रहा है, 10,000 पंप के टेंडर में हम जितना कर पाए अपने को हम उसमें अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझेंगे, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अच्छा मार्केट शेयर लेंगे। हाँ ये साल में सर बोल रहे थे 1,80,000 का टेंडर होना था 2021 में, और उसमें से अपना करीबन 25,000 पंप हो गया। 25,000 सिर्फ 25,000 वही नहीं है? अच्छा तो उसमें से हम लोगों ने तो काफी कुछ किया है, उसमें से 14 हमारे हो गए। अच्छा ओके, तो और तो अगले क्वार्टर में क्या कुछ हो सकता है, मतलब वी विल बी रनिंग एट द सेम और बेटर रन रेट? बेटर रन रेट ऐसा हमारा मानना है, हम लोग बेटर रन रेट से जाएंगे, हमारे लिए ये क्वार्टर पायलट है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड आई विल बी बैक इन द क्यू। थैंक यू थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अनुराग रूनवाल फ्रॉम मनीबी, प्लीज गो अहेड। हाय सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। मेरा क्वेश्चन भी एक्चुअली सर पिछले पार्टिसिपेंट ने पूछा वही था, मतलब मैं समझना चाह रहा था कि पहले अपन बोलते थे कि 50% मार्केट शेयर अपन को मिलेगा कुसुम स्कीम के अंदर, तो 1,80,000 का 50% मतलब अराउंड 80,000 समथिंग होता है, उस हिसाब से मैं वही एक्वेट कर रहा था कि अपन जब 50% बोल रहे हैं, अभी तक तो अपन ने नंबर 25,000 के किए हैं, बट आप जिस तरीके से बोल रहे हैं इसमें मतलब कि टोटल आप बोल रहे हैं कुसुम स्कीम के अंदर अभी एग्जीक्यूशन ही आप बोल रहे हैं 25,000 हुआ है ये? यस यस, अभी अभी वही बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि जो टोटल मार्च तक टोटल पंप लगेंगे वो 22,000 से 25,000 के आसपास पंप लगेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि जिन लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए उन्होंने अभी तक सप्लाई नहीं की है, तो हमने तो 13,511 पंप कुसुम में सप्लाई कर दिए हैं अभी तक,
हमारे पंप ऑलरेडी प्लेस है। ओके सर, अगले साल के लिए सर मतलब आपके हिसाब से मतलब आपको क्या लगता है कितने पंप्स हैं? 4 लाख तो गवर्नमेंट की तरफ से है, पर आपके मतलब एस्टीमेट के हिसाब से कितना शक्ति पंप कर सकता है सप्लाई अगले साल? हम तो अभी भी सप्लाई खूब कर सकते थे, आज भी हमने 1000 करोड़ के ऑर्डर इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट करके सप्लाई कर सकते थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 57% है अभी भी, आज भी। लेकिन हमने सप्लाई नहीं की है, क्योंकि हमको जहाँ ऑर्डर होने के बाद जहाँ पर पल्ट की पोजीशन ठीक थी, जिस स्टेट पे स्टेट शेयर मिला था उसी स्टेट शेयर में हमने सप्लाई की है। आगे भी हम जहाँ पर हमारा पल्ट हमको सिक्योर दिखेगा वही हम सप्लाई करेंगे। और टोटल ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है या जो टेंडर आने वाला है, इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है। इसमें से एक अच्छा परसेंटेज हम लेने की स्थिति में कॉन्फिडेंट आज दिख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इंस्टॉलेशन प्लांट इंस्टॉलेशन करने वाले हमारे जो एजेंट हैं उनको डेवलप किया है इस क्वार्टर में। ओके ओके सर, 50% बोल सकते हैं सर अपन अगले साल के लिए रफली? 50% बोलेंगे तो 5,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी मेरी अगले साल। आई होप सर ऐसा ही हो। दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि मैं अदर एक्सपेंसेस देखता हूँ तो उसमें ये 18 करोड़ से 30 करोड़ हो गए अगर मैं Q1Q का कंपेयर करूँ, तो मैं ये समझना चाहता था कि अदर एक्सपेंसेस में मेनली कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं? उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, जो ये काइंड ऑफ अ वेरिएबल एक्सपेंसेस है। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते जाएंगे प्रोपोर्शनेटली। परसेंटेज में सेम आई थिंक। ओके ओके गॉट इट, थैंक यू सर। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ दीपक पोद्दार फ्रॉम सफायर कैपिटल, प्लीज गो अहेड। Yeah, thank you, sir, for the opportunity. So just wanted to understand, आप ये जो कुसुम की opportunity और solar power की opportunity की बात कर रहे हैं, तो अपना कोई vision है in terms of कि हम लोग कब at least 2,000 करोड़ तक का top line हम लोग achieve करना चाहते हैं with some vision? So उसमें कोई भी comment आपका would be very helpful. हाँ, हमारा 5,000 करोड़ का विजन है कि हम 5,000 करोड़ की कंपनी बने। समय इसमें 2025 हम डिसाइड कर रहे हैं। ये ऑलरेडी विजन हमारा बहुत क्लियर है, हमारी पूरी टीम का क्लियर है कि हमको 5,000 करोड़ की कंपनी बनना है, सोलर में बनना है, सोलर में रहना है। ओके और अपनी कैपेसिटी वाइज अपने करंट कैपेसिटी, आपकी यूटिलाइजेशन 55% है, सो करंट कैपेसिटी भी अपने कितने मैक्सिमम रेवेन्यू पोटेंशियल है अपना? 1,000 करोड़ तक तो आराम से जा सकते हैं। आपने देखा इस क्वार्टर में हमने 311 करके लिखा, 317 नहीं, 1,000 करोड़। इफ यू आर सेलिंग ओनली पंप्स वी कैन गो अप टू 1,000 करोड़ एज वी हैव एडेड प्रोडक्ट लाइक सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस एंड VFD एंड ऑल, वी कैन इजीली गो अप टू 1,200 to 1,300 crores। 1,200 to 1,300 crores इन अ क्वार्टर? नो नो, विद दिस कैपेसिटी। ओके, नो, सो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एनुअली? यस, एनुअली। तो इसका मतलब अगर हम लोग 5,000 करोड़ करना होगा तो अपनी कैपेसिटी भी हम लोग को काफी कुछ वर्क करना पड़ेगा। वेरी मच वी हैव टू एक्सपैंड। राइट, अंडरस्टूड। और मार्जिन वाइज लाइक 3-4% का इम्पैक्ट आप लोगों ने बोला कि बेसिकली दैट वी हैव सीन बिकॉज ऑफ ये रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो हाउ डू वी सी गोइंग फॉरवर्ड? मतलब ये सस्टेनेबल रहेगा इस तरह का मार्जिन 16-17%, और कहाँ जाके स्टेबलाइज करना चाहिए? See, for us, the cost has already increased and also in process to increase. Generally, kya hota hai, jab hum naye tender mein participate karenge ya agla koi bhi quote karenge, to we will definitely consider the new prices of the steel and the other material. Now, the point is, as we are moving towards the optimum utilization level, we are also getting operating leverages at many levels, like at other expenses level, at fixed cost, any fixed cost level we are getting. So, anyways, even though the raw material prices are high, we are able to maintain our margins of near about 16%. So probably if next 2-3 months steel prices pull off, or we go from more higher utilization from here, we may see some good increase also, a decent increase in margin also.
ओके और एक और बात है इसमें वो मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब जो अगला टेंडर एमएनआरई का आ रहा है जो मिनिस्ट्री का आ रहा है हालांकि मिनिस्ट्री भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ये स्कीम इतनी उन्होंने 2 लाख पंप ले की थी तो 25,000 पंप क्यों रुक गई है तो वो लोग भी बड़ा कीन है तो उनको भी हमने बताया है कि आपके टेंडर में क्लास डाली है कि जब रॉ मेटेरियल की प्राइस बढ़ जाए तो आप भी हमारा कुछ रेशोज में प्राइस में आगे बढ़ा के दे तो ये आने वाले टेंडर में बहुत सारी चीजें जो हर्डल्स थी इसमें ऑपरेशनली में हर्डल्स थी बॉटलनेक्स थी उन सारी चीजों को इस पायलट रन में हमने स्टडी कर लिया है और उसको आगे जब टेंडर की कंडीशन हो जाएगी कि अगर रॉ मेटेरियल प्राइस हमारी कुछ बढ़ेगी तो उसमें क्लास रहेगी तो वो लोग भी हमको कुछ हेल्प कर पाएंगे। राइट। तो जब अपने को टेंडर या कोई ऑर्डर्स हम लोग प्लेस करते हैं तो अपने दिमाग में अपने कौन क्या मार्जिन रखते हैं कि दिस इज द मिनिमम मार्जिन जितना हम लोग को एक कोई टेंडर या एक कोई ऑर्डर में whenever we bid for it, तो उतना at least we should be able to do that. नहीं वो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, ये बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है और जो बिजनेस की साइज को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या प्राइजिंग रखने की, एक स्ट्रेटजी होती है प्राइजिंग रखने की, तो वो साइज होगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग एक कंट्री डेवलप करने जा रहे हैं और वो कंट्री अगर फॉरेन में है और यूरोप में स्पेन को हमको डेवलप करना है तो हो सकता है कि हम उसमें हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस से भी सस्ता प्रोडक्ट हम पहले लॉन्च करें वहाँ पे और उस मार्केट में अपने आप को एंटर करें और बाद में धीरे धीरे प्राइस बढ़ी करके उस मार्केट से ले लें। वैसे हमको दिख रहा है सोलर में भी, सोलर में सच्ची अच्छा मार्जिन हमको आने वाले समय में दिखेगा ऐसा हमारा मानना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। The next question is from the line of Forum Akim from Equitree Capital. Please go ahead. May I request you, Akim? Hello? Yes, please go ahead. Yeah, sir, congratulations. Itne achhe numbers post karne ke liye. Sir, mera question hai ki ye jo 1,60,000 pumps ka pehla tender tha, usme se EPC kitna tha? ये जो 1,57,000 का जो टेंडर था ये कुसुम का टेंडर था, उसमें से जो है ईपीसी ही पूरा था, बट हमने जो किया है वो हमने अभी तक 13,511 पंप्स किए हैं। ये आप मतलब 9 मंथ्स में बोल रहे हो, राइट? यस 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 यस। ओके ओके। और तो आप बोल रहे हो अभी ये भी इसका जो बैलेंस बचा है मतलब 1,57,000 में से हमारा 50% मार्केट शेयर है तो अराउंड 80,000 पंप इंस्टॉल हुए हैं उसमें से हमारा 50% मार्केट शेयर है, टोटल 25,000 के आसपास इंस्टॉल होंगे हमारा ऐसा मानना है। वैसे अभी तक की जो क्वार्टर फिगर है वो 21,000 पंप की है। हाँ, बट ये 1,57,000 कंप्लीट होगा ना? नहीं, ये लेप्स हो जाएगा, 1,57,000 मार्च में खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जो 3,15,000 का आया है उसमें ये मतलब एड किया हुआ है। हाँ, अब वो 3,00,000 पंप का जो टेंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें वो मार्च के बाद उसमें काम चालू हो जाएगा। अच्छा, तो ये अभी खत्म करके सीधा डायरेक्टली वो टेंडर आ जाएगा। राइट। तो उसमें से ईपीसी सब ईपीसी है? हाँ, वो पूरा ईपीसी ही है। अच्छा अच्छा, तो सर इसका बिडिंग वगैरह कब स्टार्ट होगा? अभी वो उनकी प्री बिड चालू है गवर्नमेंट की, मेरे को लगता है एक महीने में वो लोग फाइनल करेंगे। तो सर इसमें मतलब अभी वापस हमको जैसा फर्स्ट टेंडर में हमने सब किया था जैसे हम रिक्वालीफाई हुए वैसे ही वापस होगा कि अभी जो कंपनीज थी पहले 1,57,000 में वही ये टेंडर को आगे लेके जाएंगी, कैसे होगा ये? नहीं नहीं, इसमें जो कंपनियां थी उनको तो वेटेज मिलेगा ही, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको तो वेटेज गवर्नमेंट देगी, और भी नई कंपनियां भी जो आएगी वो भी आना चाहेगी उनको भी मिलेगा। अच्छा, मतलब ये जो ऑलरेडी कंपनी थी उनको तो मिलेगा ही एटलीस्ट स्टार्टिंग, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। और सर हमने देखा था लास्ट टाइम जो एक्सप्रेस के लिए एलिजिबल टेंडर में जो कंडीशन रहती है वो कंडीशन भी काम में आएगी ना? हाँ हाँ, राइट। अच्छा, तो सर हमने लास्ट ईयर तो देखा था बहुत डिले हो गया था ये टेंडर वगैरह में, तो आपको लग रहा है ये टाइम ऐसा कुछ हो सकता है? यस, उन्होंने भारत सरकार ने एमएनआरई ने 800 करोड़ भारत सरकार को वापस लौटाए हैं, उन्होंने 1,000 करोड़ की सब्सिडी प्लान करके अपने पास रखी थी उसमें से 800 करोड़ उन्होंने वापस पहुंचाए हैं और अब फेल नहीं होगा क्योंकि ये सब एक 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 नया तरीके का आरएनडी था, अनुसंधान था कि भारत सरकार टेंडर बुलाएगी और स्टेट सरकार उसको मटेरियल लेगी, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कहीं,
बट वो अप्रूवल हो चुका है और उसमें थोड़ा समय यस हमारा भी एक डेढ़ दो साल उसके अंदर गए कुसुम के रेट में आते आते यस वो गए लेकिन एक वर्क के साथ आए फिर से पलट के और अब हमने अच्छा कर लिया और आने वाले समय में हम हमारे देश में कुसुम ही आगे ले जाएगी हमारे फार्मर्स को हमारे देश को क्योंकि डिस्काउंट का जो लॉस है उसको अगर कम करना है फार्मर्स को अगर आपको बिजली देनी है तो सोलर एनर्जी से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा तो सर अगर मतलब आई होप ऐसा ना हो बट अगर कुछ डिलेज हुए तो आपका प्लान क्या है लाइक प्लान बी कि हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि अभी हम अलग से वो महाराष्ट्र का भी कर रहे हैं तो हमारा क्या प्लान है अगर ये नहीं हुआ तो थोड़ा डिले हो गया तो ऐसा 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 होगा नहीं बट प्लान बी रेडी है हमारे पास। प्लान बी में हम एक्सपोर्ट तो हमेशा करते आए हैं डोमेस्टिक करते आए हैं महाराष्ट्र का टेंडर लाइव है जो अभी अगले एक साल पूरे चलेगा साथ में हमारे पास एक टेंडर हो रही छत्तीसगढ़ का जो पूरे साल चलेगा तो हमको कहीं कोई तकलीफ नहीं है हम अपना वहाँ पे फोकस बढ़ा के वहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे ज्यादा काम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में कर लेंगे कोई इशू नहीं है। अच्छा तो सर ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट ईयर मिल के कितना होगा वो तो अभी क्वांटिटी तो हम लोग प्लान कर ही है पर हम कॉन्फिडेंट है कि अच्छा ये जो क्वार्टर आया इन क्वार्टर से अच्छे क्वार्टर लेके आएंगे हम। ओके और सर हमारे रेवेन्यूज में भी हमने सीजनैलिटी देखी है कि जब मॉनसून वगैरह आता है तो थोड़ा कम हो जाता है तो बट अभी कुसुम आ गया है तो आपको लगता है एक क्वार्टरली अब हमारा रन रेट मेंटेन होगा या ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में कम फिर बाकी क्वार्टर में ज्यादा वैसे नहीं ऐसा नहीं होगा। हम लोग अभी जैसे हमारे पास ऑलरेडी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो 6-8 महीने की ऑलरेडी प्रोसेस में साइकिल में रहता है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर बुक ऑलरेडी हमारे पास अभी है 180 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इस क्वार्टर के लिए हमारे पास है अगले क्वार्टर के लिए भी हमारे पास 36 करोड़ और महाराष्ट्र की है तो उस तरीके से सिर्फ जो बारिश का जो थोड़ा सा समय रहता है जहाँ जैसे में बारिश आती है उसमें थोड़ा रूरल एरिया में फार्मर्स के पास पहुँचने में दिक्कत होती है बाकी तो कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है सर ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ विक्रम शर्मा फ्रॉम निवेश इन्वेस्टमेंट प्लीज गो अहेड। हेलो सर मेरे को ब्रेकअप जानना था कि अगर मैं एक सोलार पंप लगाता हूँ तो उसमें कितना सोलार कॉस्ट रहता है कितना अपना पार्ट रहता है। ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन मैं तो पूरी इसमें मैं भूल ही गया हमारी सक्सेस का इस क्वार्टर का सक्सेस का राज भी यही है कि हमने वीएफडी हमारी इनहाउस प्रोडक्शन कर ली है और शक्ति पंप्स की 100% होल्डेड एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमने किया था जिसमें तकरीबन 25 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट था और वो SSPL नहीं इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और उस कंपनी ने हमको कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया और जो मार्जिन में भी उसी का सहयोग रहा क्योंकि हमने उसको डिजाइनिंग पे बहुत काम किया था और स्ट्रक्चर हमको टाइम पे डिलीवरी से मिले और टाइम पे हम अपने ईपीसी प्रोजेक्ट को कर पाए वैसी आशा से वो यूनिट लगाई थी उसमें पूरा सहयोग दिया हमको स्ट्रक्चर बनाने में और वीएफडी की भी यूनिट हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि पूरा हिंदुस्तान चाइना के ऊपर डिपेंड था हम अकेले एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी इंडिया में है जिसने सोलर की वीएफडी सोलर का कंट्रोलर खुद अपना बनाया है तो ये दो चीजें हमारी खुद की होने से 65% पैसा हमारे पास आता है बाकी 35% पैसा जो है वो पैनल में जाता है। ओके तो हमें सोलर पैनल बाय करना पड़ता है। तो अभी जैसे सोलर पैनल के रिसेंट में प्राइसेस बढ़े हैं उससे अपने मार्जिन इफेक्ट होंगे। हाँ सोलर पैनल के जो मार्जिन बने हैं लेकिन हमारी जो जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने हमको इसमें सपोर्ट किया है और हम लोग एक बहुत अच्छे डील पे हमने उनसे करीब इसमें 100 मेगावाट के आसपास लिया है और आगे भी लेते रहेंगे तो थोड़ा बल्क क्वांटिटी की वजह से प्राइस हमको अच्छा मिला। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी साल में पूरे साल में समझो कि हम लोग अगर 1 लाख पंप बनाने पड़े तो उसके लिए अपने को कितने मेगावाट के सोलर पैनल चाहिए एवरेज एक पंप के लिए कितना सोलर पैनल लगता है या जैसे अगर टोटल प्रोडक्शन लाख यूनिट करना पड़े तो उसके लिए कितने मेगावाट सोलर की जरूरत पड़ती है। अभी आप मोटा मोटा ऐसे एवरेज कर सकते हो कि 10,000 पंप के लिए 100 मेगावाट। अच्छा 10,000 के लिए 100 मेगावाट। ओके ओके सर थैंक यू थैंक यू सर भाई थैंक यू थैंक यू। The next question is from the line of Punit Mittal from Globecore Capital. Please go ahead. Hello. Hi, Mr. Kapoli. Congratulations, sir. Very, very phenomenal quarter.
एक तो ये क्वेश्चन अभी जो अखिलेश जी ने कहा कि आपकी करंट कैपेसिटी के हिसाब से आप 1200-1300 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, तो ये तो इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन, बिकॉज आपकी 500,000 पंप की कैपेसिटी है तो 1200-1300 करोड़ पे तो मतलब आप एक 25,000 का पंप के हिसाब से आप बता रहे हैं रेवेन्यू, और उसमें VFD वगैरह बाकी जो हमारी अदर ओवर एक्सेसरीज या जो हम लगाते हैं उसका कोई वो नहीं है रेवेन्यू, तो ये कैसे आपने 1200-1300 करोड़ का आपने जो बताया वो उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1200-1300 करोड ऑल्सो इंक्लूड आर टोटल कैपेसिटी, वॉट एवर प्लांट्स वी हैव इंक्लूडिंग VFD कंट्रोलर स्ट्रक्चर, दैट ऑल इंक्लूड्स 1200-1300 करोड, नॉट सेपरेटली। हाँ तो ये वही मैं मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि आपकी कैपेसिटी 500,000 की है बराबर? या वी हैव अ 500,000 पंप कैपेसिटी, इफ वी गो ओनली अराउंड ओनली एसएस पंप्स प्योरली वी कैन गो अप टू 900 करोर्स और 1000 करोर्स, एंड इफ वी एडेड फ्यू मोर प्रोडक्ट्स विद सोलर एंड ऑल वी कैन गो अप टू 1200-1300 करोर्स, सो दैट 20,000 पर पंप के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 20,000 पर पंप में 500,000 का पंप अगर आप कर रहे हैं तो 1,000 करोड़ का मतलब आपके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका 20,000 ही आएगा उसका एवरेज, यू आर राइट आई एम टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट प्राइस पंप 20,000 रुपीज, इवन दो वी हैव अ पंप ऑफ इवन 1,00,000 रुपीज स्टैंड अलोन पंप ऑल्सो, नो सोलर ओनली प्योर पंप एंड मोटर इज 1,00,000 रुपीज ऑल्सो एंड अबाउट दैट ऑल्सो, बट आई एम टेकिंग अ वेरी बेसिक एजम्पशंस बिकॉज वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्डर्स एंड मल्टीपल साइजेस ऑफ ऑर्डर्स। हाँ तो मेरा वही है कि ये बहुत आप एक बहुत लोअर नंबर नहीं कोट कर रहे हैं, बिकॉज इसमें तो आप EPC का भी आप खाली पंप बेच रहे हो तो भी आप 1,000 करोड़ का कर लोगे टर्नओवर, प्लस आपको VFD का ये सब मिला के 200 करोड़, बट इसमें आपका जो हायर पंप का जो प्राइजेस है वो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, EPC का कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1200-1300 करोड़ एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नंबर नहीं है। वी हैव सम ऑफ द मशीन विच हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी, तो अगर आप कुछ मशीन हैं जिनका कैपेसिटी बहुत इससे ज्यादा है, यू आर राइट कि कुछ ऑफ सम ऑफ द मशीन हैव अ कैपेसिटी बिगर देन दैट, बट जो बैलेंस ऑफ द मशीन थे उसमें हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो उसका कैपेक्स तो हमको करना ही पड़ेगा। तो ये अब दिनेश जी, तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन का क्या प्लान है, क्योंकि अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट मैक्सिमम 1200-1300 करोड़ का हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोगों को नेक्स्ट ईयर 1500 करोड़ के ऑर्डर भी मिलते हैं तो एज आई सेड वी हैव बैलेंस ऑफ मशीन जो हम लोगों को एक्सपांड करने हैं वो हम लोग करके भी 1500-1800 करोड़ तक जा सकते हैं, वी डोंट हैव टू गो एंटायरली फुल प्लांट की पहले जैसा एक अलग से जगह लेके नया स्ट्रक्चर बना के सब नया मशीन ला के वैसा नहीं करना है, बैलेंस ऑफ मशीन जहाँ जहाँ पे हमारा शॉर्ट है, जहाँ पे कुछ मशीन ऑलरेडी हाई कैपेसिटी के हैं उनके साथ जो बैलेंस शॉर्ट है उनको ऐड करके हम लोगों को कैपेसिटी एक्सपांशन करना है, एंड यू ऑल्सो सी आर ट्रेंड ऑफ एक्सपांशन कैपेक्स प्लान, हम लोग हर साल जनरली 10-20 करोड़ का कैपेक्स ऐसे भी करते रहते हैं जो हमारी कैपेसिटी को लिटिल बिट एडिशन या स्मूथनेस देता रहता है। तो जो दिनेश जी आप 5,000 करोड़ का बोल रहे हैं या विजन, उसके हिसाब से अब हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन का क्या प्लान है? 2025 में 5,000 करोड़ पहुंचना है। अच्छा, अभी 21 में तो हम पहुंची जाएंगे, इससे पहुंच ही चुके हैं। अच्छा, एक लास्ट बटनलेस होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन का, EPC में आपने 221 करोड़ बताया, उसमें कितने पंप्स बताया आपने सर? 13,511। अच्छा, ये 3 महीने का है 9 महीने का? 9 महीने का। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Ladies and gentlemen, this will be the last question for today, which is from the line of Vishy Mehta, an individual investor. Please go ahead. Yeah, hello. Bolo Mehta ji. Sir, hi. Sir, very good numbers. Sir, ek khali understanding ka banna tha. Agar, jaise abhi sir ne bataya ki aapka
you're planning to have a turnover of 1200 crores as per the existing capacity maximum. So for the whole year, so we have already achieved 300 crores in this quarter. So I am not understanding isme how will this pan out. Agar apna aapne jaise expectation rakha hai to yahi run rate se apan badhenge to isse upar apne ko capacity to extend karni padegi, then only can we move further, right, for the next year. Like one side aap bol rahe ki 50% apna utilization hai aur hum log 300 crore karte hain, to agar apna 100% utilization hota hai to 1200 crore hota hai, to wo mismatch tera samajh mein nahi aa raha hai, wo how is it that numbers gonna come. नहीं, इसमें से आप 80% प्रोडक्ट को मेरा निकाल दो, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है. वो 80% जो है ना सोलर का प्राइस, उसमें तो हमको कोई हमारा उसमें कैपेसिटी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है. वो तो हम बैट आउट आइटम है हमारी, जो हमारे जो सेल 317 करोड़ की जो सेल है, इसमें से 35-40% ये अमाउंट इसमें से हटा दीजिए, उसके बाद आप देखिए तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी. दूसरा मैं कह रहा हूँ कि हमको कुछ कुछ जगह, बहुत सी जगह नहीं है. आज मेरे पास 90% मशीनरी ऐसी है जो ऑलरेडी मेरी प्लांट है, जो हाई स्पीड मशीन है, तो उनमें तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. जहाँ पे बॉटल लेक्स है उनको हम इम्प्रूव करेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम हमेशा ही 10-15-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते आए हैं कंपनी में. ये कंपनी अपने आप पैसा कमा के लड़ी हुई है यहाँ तक, शेयर होल्डर्स ने इतना सपोर्ट किया, इतना विश्वास किया, तभी यहाँ तक आई है. करेक्ट करेक्ट. ओके, सो सर, सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज दैट 1200 crores विल बी यूजिंग आवर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, करेक्ट? दैट इज द मैक्सिमम वी कैन डू फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी. बट अगर अपन जो बाहर से जो परचेस करके आउटराइट सेल करते हैं, वो एडिशनल टर्नओवर में आता है, दैट इज अ डिफरेंट मार्जिन, और उसका अलग वॉल्यूम और उसका अलग बेनिफिट मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल सही है. ओके, सो विच यू कैन एड 30% ऑन दिस, करेक्ट? जनरली अगर आप थंब रूल लेते हैं तो. राइट राइट राइट. बिकॉज इफ योर प्रोडक्ट टोटल से टर्नओवर इज अराउंड 1500 or 1800 crores, उसमें 30% विल बी रफली थर्ड पार्टी आइटम्स एंड द रेस्ट विल बी योर्स. परफेक्टली राइट. सो इफ दिस इज द रेशियो करंटली दैट द करंट टर्नओवर व्हाट वी आर डूइंग इन द करंट कैपेसिटी, वी कैन अचीव अ टर्नओवर ऑफ 1800 crores एक्चुअली स्पीकिंग ऑन टॉप लाइन. आपका खुद का प्रोडक्शन उसके 1200 करोड़ या 1300 करोड़ का होगा, बट बाकी का जो है वो आप आउटसोर्स करके ले सकते हैं. 317 करोड़ की 170 करोड़ सेल दूसरे का है, बाकी दो बाकी हमारा है. करेक्ट करेक्ट. So going further, you see the share of the third party component to increase, because जैसे आप बोलते हैं आप solar cells भी खुद बनाना चालू कर रहे हैं, panels का जो component एक है, so will that also add? नहीं नहीं नहीं, solar cell बनाना हमारा कोई vision नहीं है. Solar cell हम बनाएंगे नहीं कभी ना, solar panel बनाएंगे, ये हमारा vision ही नहीं है. No sir, I didn't get what you were trying to do. आपने जो बोला ना, जो आपने 25 crores का investment किया, that product that you have indigenously made in India. और सोलर स्ट्रक्चर है. या सॉरी, सो आई मेंट दैट ओनली कि वो अगर अपन इफ दैट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर कंट्रीब्यूशन, विल दैट कंट्रीब्यूशन आल्सो पिक अप इन द फ्यूचर? राइट राइट, व्हाई नॉट. वो एक अपना अलग बिजनेस क्रिएट करेगी कंपनी. सो व्हाट इज द वॉल्यूम यू सी कमिंग फ्रॉम दैट एंड? मतलब अगर आप अगर साल का 1500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 1200 करोड़ का आपके बिजनेस में से, तो अदर जो कंपोनेंट है उसका क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो वो करने लगी है. सॉरी, अभी 100 करोड़ वो कंपनी करने लगी है. ओके, पर क्वार्टर? यस, पर पर ईयर, एनुअली. ओके ओके, ठीक है सर. सर, वेरी गुड नंबर्स. या थैंक यू सर. थैंक यू. या थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई वुड नाउ लाइक टू हैंड द कॉन्फ्रेंस ओवर टू मिस्टर वास्तुपाल शाह फॉर क्लोजिंग कमेंट्स. Thank you everyone for joining for the conference of Shakti Pumps India Limited. If you have any further queries or question, you can write us at vastupal@kiritadvisors.com. And once more, many thanks to everyone for joining the conference. Thank you. Thank you. Thank you everyone for your time. Thank you.